ये देखिए आज का केक तो मैं खुद ओपन करके दिखा रही हूँ। तो चलिए आपको दिखाते कि इसको मैंने कैसे बनाया। और ये था हैप्पी टीचर्स डे के लिए केक। ये तो मेरे किचन की वीडियो जहाँ मैंने इसको कंप्लीट किया है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हर्षी है। मैं केक बनाती हूँ और आज मैं बना रही हूँ अपने टीचर्स के लिए केक। तो ये मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का केक बनाया हुआ था। तो ये देखिए, सबसे पहले तो मैंने इसकी क्रम्स कोटिंग करके इसको आइसिंग करके थोड़ा सा सेट कर दिया था। और फिर स्क्रैपर की हेल्प से ये मैंने डिज़ाइन इसकी कुछ बनाई हुई थी। ये देख सकते हैं कितनी प्यारी इसकी डिज़ाइन लग रही। और इसको मैंने सिंपल बनाया था और ये मेरा बहुत ज़्यादा शाइनी केक हो गया था। और वो कैसे हुआ तो उसके लिए आपको फुल वीडियो वॉच करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने स्क्रैपर की हेल्प से मैंने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बना दी। और फिर अपने पैलेट नाइफ की हेल्प से जो भी एक्स्ट्रा क्रीम ये ऊपर आ गई थी, इसको मैंने स्क्रैपर की हेल्प से और पैलेट नाइफ की हेल्प से रिमूव किया और एकदम क्लीन बेस इसको दिया। फिर इसके बाद मैंने इसको टू कलर कॉम्बिनेशन में बनाया हुआ था, एक पिंक और एक वाइट। और इसमें मैंने बहुत अच्छी सी नोजल्स का यूज़ करके बहुत प्यारे प्यारे से फ्लावर्स बनाए। और ये मैं थोड़ा लाइट चली गई थी, बीच में गड़बड़ हुआ मेरे साथ, तो मेरे से इसमें कुछ ज़्यादा ही सिमर निकल गया था। तो आप देखिएगा कि केक की शाइनिंग कितनी ज़्यादा थी। एक्चुअली ये थोड़ा सा मैं रूम के अंदर वीडियोस बनाती तो मुझे कलर उतना ब्राइट नहीं होता जितना वो बाहर दिखता है। तो सबसे पहले ये देख सकते हैं, मैंने पिंक कलर का फ्लावर्स बनाया और एक पिंक एक वाइट, कुछ मैं इस कलर तरीके से फ्लावर्स बना रही थी। तो सबसे पहले मैं पिंक कलर का फ्लावर्स बनाया, सेकेंडली मैंने वाइट कलर का फ्लावर्स था, तो कुछ इस तरीके से इसका कलर कॉम्बिनेशन था। और मुझे जब मैं डिज़ाइन बना रही थी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था मैं इसको कैसे बनाऊँ क्या करूँ। तो जो भी मुझे इजी डिज़ाइन लग रही थी मैंने वही बनाना स्टार्ट कर दिया। और फिर सेंटर में जब मैंने हैप्पी टीचर्स डे लिख के और इसके साथ में दो कप्स केक रेडी किए, तो फाइनली इसका लुक बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैं एक पिंक फ्लावर्स बना रही थी और एक वाइट फ्लावर्स बना रही थी। अभी सिर्फ कुछ टाइम की प्रॉब्लम्स और जो मुझे यहाँ पे वर्क करना पड़ रहा है रूम के अंदर। बहुत जल्दी मौसम सही होने वाला है और मैं किचन में प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी तो आपको प्रॉपर मैं वीडियोस भी दे सकती हूँ, क्योंकि रूम में सिर्फ वन साइड से ही वीडियोस बन पाती हूँ और मैं फ्रंट आपको नहीं दिखा पाती हूँ। और मैं किचन में पूरा ट्राई करूँगी मैं सारे एंगल्स आपको वीडियोस दिखा पाऊँ। ये देखिए, और आप सबको जुगाड़ू आइडियाज़ और नई नई डिज़ाइंस बता पाऊँ। तो ये देखिए, फिर मैंने नीचे कुछ पिंक कलर के स्टार्स बनाए हुए थे और मैंने पिंक में थोड़ा सा डार्क कलर मिक्स करके इस पर हैप्पी टीचर्स डे भी लिखा हुआ था। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, तो मेरा ये फाइनली लुक था। और हैप्पी टीचर्स डे का मैं वीडियोस नहीं बना पाई, पर मैं आपको फुल आपने पहले ही देखा हुआ था कि मैंने उस पर लिखा हुआ था। और आप लास्ट में देखिएगा, बहुत प्यारा लग रहा था। सबसे पहले तो मैंने इसमें फेरी वाले टॉपर्स लगाए हुए थे पर वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने फिर इसमें हैप्पी टीचर्स डे लिख के और कुछ स्प्रिंकल्स डाल के इसको कंप्लीट किया था। तो हमारा केक कंप्लीट हो गया। और इसके बाद मैंने सोचा चलिए इसको थोड़ा शाइनिंग बढ़ाने के लिए सिल्वर, और वो इतनी ज़्यादा सिल्वर डस्ट हो गई थी मुझे पता। ये देखिए, मेरी गलती ये थी, मुझे इतनी पास से प्रेस नहीं करना चाहिए था, काफ़ी डिस्टेंस से करना चाहिए था। और ये देखिए एकदम शाइन कुछ ज़्यादा ही आ गई, मुझे लाइट शाइन चाहिए था और ये ओवर शाइन हो गई। तो ये देखिए कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है हमारा केक का लुक। तो पहले तो मैंने ये डिज़ाइन रखी, फिर मैंने सोचा टीचर्स डे तो चलिए इसमें हैप्पी टीचर्स डे लिख देते हैं। तो कुछ ये फाइनली लुक था। तो कैसी लगी आपको वीडियो? बाय बाय फ्रेंड।